इसी हालत में भी अच्छा भाग लेती हो। बिलाल, बेबी कैसा है? ये लड़की है, मैंने उन दोनों को उस तरफ भागते हुए देखा। ओके, जल्दी चलो। कोई बात नहीं, हम 15 सेकंड में इनसे जान छुड़ा देंगे। नहीं, मैं पैक्सटन की बात कर रही हूँ। पैक्सटन कोई बच्चा नहीं है, वो अकेला वर्ल्ड टूर पर जाना चाहता है। उसकी उम्र में तो हम घरों पर ही रहते थे, पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो गया। वीरू के मॉन्क्स वाली बात याद है? और द गोल्डन एग ऑफ मॉन्टीपेट, वो हमारी पहली एक अच्छी जॉब थी। चलो फिर उन बच्चों को ट्रिप पर जाने। वो अब बच्चे नहीं रहे, ये बात हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि हम उनके पास नहीं रहते। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि इस काम के बाद हम उनके साथ कुछ वक्त गुजारेंगे। तुम तो हर बार यही कहते हो। ध्यान से सुनो। सोलह सेकंड, तुमने झूठ बोला मुझसे। बहुत कुछ पहली दफा होता है। चलो कुछ खाओगी क्या? नहीं शुक्रिया, वो लेट है, जो अच्छी बात नहीं। शायद, देखते हैं। मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा कह सकती हूँ, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा पीछा किया। किसी ने किया? नहीं। गुड, हमारा भी नहीं किया। बस यही है। हाँ, ये मेरे पास 3 दिन पहले आया, ये की के बगैर बेकार है और वो हमारे पास नहीं है, और हमने भी ये 2 दिन पहले हासिल किया। अब लाइट ही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। इससे कुछ होगा क्या? द लाइट ऑफ नागा, इस वक्त तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। धनिया पॉज। वो बहुत दूर है, हम नहीं जा पाएंगे। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वैसे नदी की दूसरी तरफ भी एक रास्ता जाता है। ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है क्योंकि पहली बार मैंने किया था। जानता हूँ।
चुके हैं, भागने के लिए तैयार हो जाओ। क्या मतलब, किससे भागने के लिए? यहाँ बहुत से लोगों ने जाल बिछाया है। नहीं, ये एक स्टिक है बस। हे, तुमने तो मुझे डरा दिया। लेडीज फर्स्ट। क्या बात है तुम्हारी? कोई और देखता तो यही सोचता फ्लर्ट कर रहे हो माई से। ये तो अच्छी बात है, तुम जानती हो। जॉर्डन, जॉर्डन। नहीं कार्टर। माए, लगता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। वो गुलदान तो तुम्हारे पास ही है, हमें जाने क्यों नहीं देती? ताकि सारी जिंदगी मुझे तुम्हारा ही डर रहे, और वैसे भी तुम लोग हंटर हो। और हाँ, मेसन तुम्हें हाय बोल रहा है। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। मुझे ऑर्डर मानना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बच्चे भी तुम जैसे ही हैं। बस हो गया। हाँ, सब हो गया। मैंने कहा था कि उन्हें कुछ मत कहना। क्या फर्क पड़ता है, तुमने जो मांगा तुम्हें मिल गया। ठीक कहा। इसके चार पीस और भी हैं, और ये उनमें से सिर्फ एक है। इसीलिए मुझे वो जिंदा चाहिए, ताकि उनकी मदद से हम बाकी के पीस भी ढूंढ सके। उप्स। कोई और भी जानता है? कोई नहीं, शायद कोई और भी इसके बारे में जानता होगा। I want to know if you have any spray trees. Trip, what are you doing home? Looking for the spray trees. I just said that. Never mind. You ran away from school again? A, I don't call it school. I call it juvenile detention. Emphasis on the juvenile part. And B, I came here because you told me to. Look. Come to me. Hugs and kisses. Why would I possibly want to see you? And when's the last time we hugged and kissed? Ouch. Sorry, that came out nastier than I meant. Well, if you didn't send it, who did? You did. What? Why would I do that? Because this is a classic Trip Flynn get out of school ploy. Just like the time you convinced your headmaster you had vibrisse, you had to come home for treatment. It's not my fault he didn't know what the Latin word for nose hair was.
I didn't send the text. I don't care. I'm taking you back to school tomorrow. Don't you think we should at least wait till Monday? I mean, it's Thursday. Maybe we could actually have a weekend. You still planning on sailing around the world on your own? I'm leaving next week, as long as I don't get delayed by any more little brothers. Well, I want you to know that if anything were to happen to you, I'd take good care of your car. Paxton Flynn. मैं हूँ एजेंट वॉल्टर्स और ये हैं एजेंट लतासी. हम इंटरपोल से हैं. इंटरपोल? वो लापता हैं? हाँ, जब से उन्होंने म्यूजियम से मूर्ति चुराई है. हमारे वालदेन चोर नहीं है, रिसर्चर्स हैं. वाकई? तुम जानते हो कि एक रिसर्चर की इतनी सैलरी नहीं होती कि वो ये सब अफोर्ड करे. मुझे क्या पता इन चीजों की क्या कीमत है. तुम्हारे वालदेन इंटरनेशनल चोर हैं. इंटरपोल कई सालों से उनके पीछे है. क्या उन्होंने कभी किसी खास किस्म के टुकड़े की बात की तुमसे? मतलब मट्टी के बने टुकड़े? नहीं, शीशे के. नहीं, मुझे नहीं पता. नहीं, वो चोर नहीं है. मुझे हमेशा से ही उन पर शक था. किस पर? मॉम एंड डैड पर, डॉक्टर डोलन और प्रोफेसर डेलर पर. तुम्हें याद है वो अपने पिछले ट्रिप से एक गोल्डन कैटल लेकर आए थे? हाँ, वो तो उन्होंने म्यूजियम को लौटा दी थी. नहीं, नहीं लौटाई. वो उसे कहीं छुपाने के बारे में बात कर रहे थे, और जब उनको पता चला कि मैंने उन्हें सुन लिया है, तो जानते हो मॉम ने मुझसे क्या कहा? कि मैं नहीं समझूंगा. उन्होंने वो चोरी किया. इसकी जरूर कोई ना कोई वजह तो होगी. ट्रिप, इस सब के बारे में सोचो, हमारी दौलत के बारे में. तुम्हें क्या लगता है उन्होंने हमें हॉस्टल क्यों भेजा? क्योंकि वो चोर थे और वो नहीं चाहते थे कि ये बात हम जान जाएं. नहीं, तुम गलत कह रहे हो. मैं ठीक कह रहा हूँ, और ये बात हम सब जानते हैं. पैक्स, अगर तुम मॉम एंड डैड के खिलाफ जाओगे तो मुझसे भी बात मत करना. वो ठीक तो है? हम नहीं जानते. हमने सोचा कि शायद तुम हमारी मदद कर सको. तुम किसी सीक्रेट रूम के बारे में बता रहे थे. क्या चोरी किया उन्होंने इस दफा? एक गुलदान, बहुत कदीम. वो थाईलैंड के एक घर में छुपाया गया था, मगर टिवालो के जजीरे से वो चुराया जा चुका है, और इंस्पेक्टर तासी की गवर्नमेंट उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके बैजेस देख सकूं? प्लीज. ओह नहीं, शुक्रिया. एजेंट लतासी तवालो से. पैक्स, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है. किस बारे में? अकेले में. तुम यहाँ बात कर सकते हो, हम एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं. ठीक. नहीं, वो मुझे अपने भाई से कुछ टिप्स लेनी है कि वो लड़कियों से कैसे बात करते हैं. ठीक है पैक्स. बहुत समझदार. अब मुझे यकीन हो गया कि ये लोग इंटरपोल से नहीं है. तुम्हें कैसे पता चला? तवालो इंटरपोल का मेंबर नहीं. बहुत समझदार हो. बताओ वो टुकड़े कहाँ हैं? हम कुछ नहीं जानते, सच में. हाँ, मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसे कुछ नहीं पता. शायद वो सीक्रेट रूम नहीं होंगे जिसके बारे में हमने सुना. ट्रिप, भागो! ऐसा नहीं कर सकते. हिलने की कोशिश मत करना. पीछे देखो. मेरे पास भी. डेलन, पैक्स, तो तुम एक दूसरे को जानते हो? बहुत देर से. मैं किसी भी अजनबी को इस तरह नहीं मार सकता. मैं देखती हूँ. तुमने ये सब कहाँ से सीखा? याद है मॉम और डैड ने मुझे कराटे क्लासेस के लिए भेजा था, पर तुमने ये सब कहाँ से सीखा? मुझे मॉम ने जिमनास्टिक क्लासेस में भेजा था. अच्छा, ये लोग कौन थे? चोर थे और खुद को इंटरपोल एजेंट्स कहते थे. कोई बात नहीं, मैंने सब संभाल लिया. मैं फ्लाइन हूँ, ट्रिक फ्लाइन. तो तुम लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो? हम लोग दोस्त हैं. हाँ, कह सकते हो. तुमने तो बताया था कि तुम डेलन के साथ डेटिंग कर रहे हो. डेट? तुम इसे डेट कहते हो? मैंने ये कहा था कि हम कई बार घूमने गए थे. हाँ, बहुत बार. मतलब तुम कामयाब नहीं हुए? नहीं नहीं. तुम यहाँ क्या कर रही हो?
लंबी कहानी है। सुनना चाहूँगा। ट्रिप सॉरी। तुम्हारे पेरेंट्स ने पैसे नहीं दिए हैं। किस लिए? चोरी हुए आर्टिफैक्ट्स के लिए। मॉम और डैड कोई चोर नहीं है। नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं। वो चोर हैं? इसमें कोई हकीकत नहीं है। चलो अंदर चले, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। आ जाओ। ट्रिप बस कर दो। सॉरी, मुझे उलझन हो रही थी। एक कदीम सोसाइटी है जिसका नाम है हंटर्स। हाँ ठीक। अच्छा, तो ऐसे साइंटिस्ट जो तसव्वुराती चीजें ढूंढते हैं। इसे समझना मुश्किल है। समझना मुश्किल नहीं बल्कि पागलपन है। ये तो कूल है। ध्यान से सुनो, हंटर्स चीजों को ढूंढते हैं और फिर उन्हें महफूज जगह पर पहुंचाकर उसकी हिफाजत करते हैं। गलत हाथों में जाने से सबके लिए खतरा हो सकता है। अलादीन का चिराग और एर्गोनॉट्स की गोल्डन फ्लीस। कहानियां है सब, मगर सब सच है। सबकी सब ताकतवर चीजें थीं और तुम्हारे पेरेंट्स ने उन्हें कहीं छुपा दिया है, क्योंकि हंटर्स का यही काम है। हाँ सही कहा। ये क्या बेहूदगी है? तुम ये सब जानती हो क्योंकि तुम मेरे पेरेंट्स के साथ काम करती थी। सब जानती हूँ क्योंकि मैं भी एक शिकारी हूँ, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह। एक मिनट, तो इसका मतलब हम हंटर्स हैं? प्लीज अब तुम्हें यह कहना होगा कि यह सच है। क्या सिर्फ मेरा ही दिमाग ठीक है इस कमरे में? जाने से पहले तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे ये तुम्हें देने को कहा था। बहुत शुक्रिया। ये है मेरे पास, ये मगर चलती नहीं, बिल्कुल मेरे पेरेंट्स के रिलेशन की तरह। ये भी काम नहीं करती। दोनों घड़ियां खराब दी उन्होंने हमें। तुम्हारी घड़ी पर क्या वक्त हुआ है? 1:13 और तुम्हारी? 8:47। मेरी घड़ी कहां पर है? मैसेज, मुझे एक मैसेज मिला था, वो जो तुमने मुझे सेंड किया था। ये तुम्हारा फोन है? ये बहुत ही अच्छा फोन है, मेरी तरफ आ जाओ। एक्सो एक्सो। तुमने अपने भाई को मैसेज करके ये सब कहा? क्यूट। मैंने नहीं किया। तो फिर मॉम और डैड ने किया? ये यकीनन कोई टाइम डिलेड मैसेज होगा जो उनके लापता होने पर तुम्हें मिलना चाहिए था। टाइम डिलेड मैसेज? हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है फिर? मैं जानता हूँ। मेरे पास आ जाओ एक्सो एक्सो। मॉम और डैड ने मुझे हमेशा समझाया कि पैटर्न में एक्स और ओ बने हुए हैं। तो ये है सीक्रेट रूम। ये क्या है? मुझे करंट लगा। कोड क्या है? 1:13। एट 47। हब में खुशामदीद। पेरेंट्स ने मुझे हब के बारे में बताया था जहां उन्होंने रिसर्च की थी। मेरा ख्याल था वो किसी यूनिवर्सिटी में होगा। ये कमाल है। ये हंटर्स का निशान है, तुम्हें अब भी यकीन नहीं आ रहा? तुम्हारे पेरेंट्स मामूली नहीं बल्कि बेस्ट हंटर्स थे। टोटल कितने हंटर्स हैं? ये कोई भी नहीं जानता, इसीलिए हम लोग सेफ हैं। ज्यादातर हंटर्स एक दूसरे को जानते हैं मगर सब नहीं। मुझे तुम पर इसलिए यकीन करना चाहिए क्योंकि वॉइस रिकॉग्निशन एंगेज्ड। वेलकम पैक्सटन फ्लिन। पैक्स, तुमने ये क्या किया? वेलकम ट्रिप फ्लिन। तुम दोनों के वॉइस सैंपल्स तुम्हारे पेरेंट्स ने पहले से ही कंप्यूटर में रखे होंगे ताकि तुम लोग हंटर्स बन सको।
What makes you think I want to be a hunter? I don't. The defining quality of a hunter is heart. Quite frankly, you don't have it. I've got heart, okay? I'm all heart. You're all talk. You know what I think? I think you're still hung up on me. If by hung up you mean completely nauseated by, then yes, I am very hung up on you. Kids, please. We still don't know where our parents are. Tripp is right. See, heart. Maybe the computer knows where they are. Computer, where are my parents? Hunters Carter and Jordan Flynn, listed as missing in action during recovery mission. Last known location, Kang Sopha, Thailand. What exactly were they recovering? The four shards to the mirror. Those fake cops were talking about a mirror. Computer, what's so important about the mirror? Function of mirror, unknown. You know what I think? I think it's time to call Mason. Who's Mason? Oh, look, something she doesn't know. Mason Fuller is our parents' oldest friend. You might know where they are or what we can do. Sure. Hey, Mason, did my parents ever mention anything to you about a super secret organization of warrior scientists? No? Okay, thanks anyway. He's filthy stinking rich. And people who are filthy stinking rich have things like planes and connections. You might know what to do. Yeah, maybe. But I don't trust him. It's not that you don't trust him. You don't trust anyone. I don't trust him because he's friends with my parents. Do you seriously still not believe they're hunters? Come on. I have someone who can prove it to you. तुम वाकई डेटिंग करते थे? ऐसा कुछ नहीं है, मॉम और डैड के कहने की वजह से ही हम लोग घूमने गए थे। ये सब मॉम और डैड ने किया? ओह, मुझे तो अच्छी लगी है। हाँ। ये गाड़ी तीन लोगों के लिए नहीं? टेक्सटन के लिए तो एक ही सीट वाली गाड़ी ठीक रहेगी। बहुत खूब ट्रिप। कमाल है। तो पैदल चले जाओ। हमें फिर से उनके घर में दाखिल होना चाहिए और पूछना चाहिए वो टुकड़े कहाँ हैं। हाँ, तुम लोग तो पहले भी कामयाब ही वापस आए थे। हाँ, मगर अब मैं उन्हें तुम ज्यादा सोचो मत, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उन बच्चों को पता होगा वो टुकड़े कहाँ हैं। मगर मुझे लगता है इनकी मदद से हम उस शख्स तक जरूर पहुँच जाएंगे जिसे पता है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, डॉक्टर क्रेमर थोड़े से मुख्तलिफ हैं। डॉक्टर क्रेमर, डॉक्टर क्रेमर, क्या वो धोखा था? हाँ, वो एक धोखा था। हेलो डेलिन। हाय डॉक्टर। तुम्हारे ये दोस्त कौन है? ओ हाँ, ये प्रिंस हैं, पैक्सटन और ट्रिप। अच्छा, कार्टर और जॉर्डन के बच्चे, कितने बड़े हो गए हैं ये। क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? नहीं, कभी नहीं। बायोलॉजिकल फैक्ट्स की वजह से ऐसा कहा, क्योंकि तुम इतने बड़े तो पैदा नहीं हुए होगे ना। थोड़े अजीब हैं। आपकी मदद चाहिए हमें। हाँ, मैं जानता हूँ, कार्टर और जॉर्डन वो टुकड़े ढूंढने गए थे लेकिन अब वो लापता है। ओके, अगर किसी पागल प्रोफेसर को वही कहानी पता है तो इसे सच साबित नहीं होता। समझ गई तुम? शीशे के बारे में जानते हैं आप? हाँ, क्या तुम स्नो वाइट शीशे के बारे में जानते हो? हाँ, उस शीशे में कोई शैतान वगैरह था शायद। हाँ, उसके बारे में लोग ज्यादा ऐसी ही बातें करते हैं। ये शीशे यहाँ कई नस्लों से मौजूद हैं, उनमें बहुत से राज पोशीदा हैं। ओह हाँ, ये रहा। ओके, ये देखो, आज से 1000 साल पहले एक शैतानी फौज जिसे सब क्रूगन कहते हैं, उसको ये शीशा मिला। द क्रूगन? हाँ, काफी अजीब सा नाम है मैं जानता हूँ। अगर मैं होता तो कोई अच्छा सा नाम सोचता, जैसा कि वुल्डानी या फिर लीग ऑफ कंटेजियन। मैं कितना जहीन हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट। क्रूगन के लीडर ने ये शीशा इस्तेमाल किया और उसका नतीजा कुछ ऐसा हुआ जिसे हम डार्क एजेस कहते हैं। वो शीशा किस लिए इस्तेमाल किया गया? वो शीशा जो कोई भी देखता था उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाती थी, और शीशे को देखकर अगर कोई भी कुछ मांगता तो वो थी पावर। ओके, तुम लोगों को इसकी बातों में बेवकूफी नजर नहीं आ रही, बताओ मुझे। पैक्स, हम एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर एक सीक्रेट लैब, आर्ट क्राफ्ट्स और बोलने वाले कंप्यूटर्स हैं। तुम्हें अब भी उस पर यकीन नहीं आ रहा? ये बच्चा मुझे पसंद आया। और तुम?
तो वो शीशा टूट गया है। चलो अब तुम लोग जाओ, मेरी चाय का टाइम है। हाँ, तो 13वीं सदी में एक ग्रुप ने उसे तबाह करने की कोशिश की जिसे हंटर्स कहते हैं। तो शीशे के शैतान ने जंग की, तो हंटर्स सिर्फ इतना ही कर सके कि उन्होंने उसके 4 टुकड़े कर दिए। तो उन चारों हंटर्स ने वो टुकड़े लिए और उसे एक चीज में बंद करके मुख्य जगहों पर चले गए। और फिर ऐसा हुआ कि वो 5वां हंटर वो शीशा वहाँ से ले गया और उसके बाद से ही सब कुछ छुपा दिया गया। तो हमारे पेरेंट्स उसके पीछे क्यों गए? वेल, हमें पता चला कि क्रूगन फिर से ताकत में आ गए हैं और शीशे को फिर से एक करना चाहते हैं। जाली पुलिस वालों को 3 टुकड़ों की तलाश थी, 4 की नहीं। ओह, मतलब क्रूगन के पास एक टुकड़ा है। यही तुम्हारा मकसद है, तुम्हें क्रूगन को रोकना होगा। नहीं, हमें पहले मॉम और डैड को ढूंढना है और फिर हम उन टुकड़ों को ढूंढकर क्रूगन को भी रोक लेंगे। ठीक है, तुम जो भी पहले करना चाहो वो तुम्हारी मर्जी है। डॉक्टर, क्या आप जानते हैं कि बाकी के 3 टुकड़े कहाँ हैं? एक। तुमने एक टुकड़ा संभाला हुआ था? हम सब तो सिर्फ एक जरिया है दोस्तों। तो बाकी कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले जो तुम सुन रहे हो उस पर यकीन करो। ये एक स्पेशल क्रिस्टल है, ये मैंने इसलिए चुना था क्योंकि आ जाओ और बताओ क्रूगन का लीडर कौन है? जल्दी करो, तुम लोगों को क्रूगन से पहले बाकी टुकड़ों को ढूंढना होगा। हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम लोग जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। चलो हमें निकलना होगा। कार्टर, सुन रहे हो? प्लान क्या है? पेरेंट्स को ढूंढना और दुनिया को बचाना। पहले दुनिया को बचाना है, फिर तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढना है। अगर ऐसा ना किया तो देर हो जाएगी। तुमने कुछ सुना? नहीं। कुछ वाइब्रेट हो रहा है। मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने भी नहीं, क्योंकि तुम बड़े हो। क्या कहा? नहीं नहीं, बड़े नहीं, उम्र में ज्यादा बड़े, क्योंकि कम उम्र इंसान फ्रीक्वेंसीज को अच्छी तरह से सुन सकता है। तो फिर? तो याद है क्रेमर ने क्या कहा था? मैं जो सुनूंगा उसकी मदद से हम बाकी टुकड़े भी ढूंढ सकते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये वाइब्रेट कर रहा है। ये नंबर्स कैसे हैं? वो फ्रीक्वेंसी जिस पे ये वाइब्रेट कर रहा है। ये तो मैप के नंबर्स हैं। इसलिए क्रैमर ने हमें ये क्रिस्टल दिया है ताकि हम बाकी टुकड़े भी ढूंढ सकें। रॉकी माउंटेन्स, यहाँ है दूसरा टुकड़ा, पर हम वहाँ नहीं जा सकते। हमारे पेरेंट्स थाईलैंड में हैं, हमें वहाँ जाना होगा। नहीं, हम तीनों को वहाँ जाकर वो टुकड़ा हासिल करना ही होगा। शायद हम सच्चे हंटर्स नहीं हैं। ठीक कहा ना? ट्रिप मुझे उसका साथ देते अच्छा तो नहीं लग रहा, पर ये ठीक कह रही है। अगर वो क्रूगर के हाथ लग गए तो हमें और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें याद है वो हमेशा कहते थे सोच समझ कर काम लेना। कभी कभार हमें मुश्किल फैसला भी करना चाहिए। सही कहा, मैं भी उन्हें उतनी ही शिद्दत से ढूंढना चाहता हूँ जितना कि तुम। पर मॉम और डैड की बजाय उस टुकड़े के पीछे जाना, मैं जानता हूं कि यह एक मुश्किल फैसला होगा, पर वो भी यही चाहते हैं कि हम ऐसा करें। अपना वॉलेट दो। वो क्यों? बताता हूं, मैं टिकट्स लेने जा रहा हूं डेनवर की। मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत अहम है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है या किसी की जान लेनी है। शीशे का वो टुकड़ा उन लड़कों के पास है और वो मुझे चाहिए। तुम्हें भूख लगी होगी। तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं।
क्या कार्टर तुम्हारे साथ है? मैं और खाना मंगवाऊं? कार्टर लापता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे इत्तला के मुताबिक वो कोलोराडो जा रहे हैं। वो ठीक है, और हाँ, मुझे तुम्हारे लड़के बहुत अच्छे लगे। ओ प्लीज डरो मत, और यहां पर कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम और मैं अकेले। कुछ तो खाओ। तुमने कसम खाई थी उसी दिन जब कार्टर और मैंने खाई थी। ओ हां, अजीम शिकारियों की कसम, ढूंढना और हिफाजत करना। पर क्या फायदा हुआ? जब मैं छोटा था तो मेरे बाप ने मेरे सामने वो कसम बहुत दफा दोहराई। उन्होंने हमें बताया कि हम उन चीजों को ढूंढकर उनकी हिफाजत करते हैं। उन्होंने सब कुछ शिकारियों को दे दिया, सब कुछ। जानती हूं तुम्हारे बाप के साथ क्या हुआ। क्या तुम जानती हो मेरे बाप का आखिरी मिशन क्या था? द ग्रेल कप, कप जो जख्म भरता है। और आखिर में जब वो जख्मी हालत पर जमीन पर पड़े थे तो वो कप उनके हाथ में था, दुनिया में वाहिद चीज जो उन्हें बचा सकती। मैंने मिन्नत की वो पी लें। जानती हो उन्होंने मुझसे क्या कहा? चीजों की हिफाजत करना, इस्तेमाल ना करना उनको। ये उनके आखिरी जुमले थे। उसी वक्त मैंने तुमसे और कार्टर से कहा था कि मैं शिकारी नहीं रहा। हमने तुम्हारा फैसला मान लिया था, है ना? हमने तुम्हारा सारा रिकॉर्ड क्लियर कर दिया और किसी को इल्म नहीं कि तुम क्या थे। तुम्हारे बाप ने ठीक कहा कि ये चीजें हमारे इस्तेमाल की नहीं। वो हम सबकी मलकियत है। तुम पागल हो। दोस्त एक दूसरे को ऐसे नहीं कहते। जानता हूं उसमें क्या कमी है जॉर्डन। उस शीशे में देखो और अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करो। हां, इसमें नशा था। हम इतने बड़े शीशे की बात कर रहे हैं और तुम्हें सेब खाने से फुर्सत नहीं। क्या मुझे ही पता है कि उसकी अहमियत क्या है? और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश कि मैं ताकत हासिल करूं, क्योंकि तभी मैं ये बात यकीनी बना सकूंगा कि शिकारियों का नामोनिशान भी बाकी ना रहे। सब अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे, सब के सब। इसे जहाज में डालो, 30 मिनट में हम निकलेंगे। यस सर। तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम लोग हंटर्स हो? एक हंटर होने के नाते तुम इसका हक रखते हो। पेरेंट्स अपने बच्चों को पावर दे सकते हैं। पावर्स? वो किस किस्म की? वो वाली पावर्स नहीं ट्रिप, हम इतने स्पेशल नहीं हैं। तुम सिर्फ अपनी बात करो। एक हंटर की ताकत उसकी फैमिली से आती है और हर फैमिली में कोई ना कोई खास बात होती है। सेविनी क्लैन अपनी वफा की वजह से पहचाने जाते हैं, और एक है बनामी क्लैन जो अपने जरिए और हेस्टर्स एतमाद की वजह से पहचाने जाते हैं। मैंने काफी बता दिया। और फ्लिंस का बताओ मुझे। हिफाजत करना, फ्लिंस हार नहीं मानते। जानता था। सॉरी, मैंने उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया जिन्हें मैं जानता तक नहीं था। पेक्सटन, तुम्हें फैमिली की पावर पर यकीन नहीं है। ओके, ये सच नहीं है। फैमिली को अकेले छोड़कर चले जाना, क्या इसको फैमिली का साथ देना कहते हैं? मैं इसे बुजदली कहूंगा। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि कुछ मुख्तलिफ करूं। ओके ठीक है, मगर तुम इससे किसी की मदद तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ, तुम कूल हो, बहुत अच्छे हो और जो भी कहो। तुम्हारे ख्याल से ये आसान है तो तुम खुद क्यों नहीं करते? जरूर करता अगर तुम मुझे इनवाइट करते, मगर तुम मुझे कुछ समझते ही नहीं। गाइस, चलो चलो चले। रुको ट्रिप। अब क्या करना है? इस पर चढ़ना है। अच्छा।
अच्छा है। जरूरत नहीं। Then move in. No sense getting our hands dirty if we don't have to. Okay, ठीक है। वो यहीं कहीं होगा। हे, ये देखो। पेट्रोग्लिस? पिक्टोग्राफ्स। पेट्रोग्लिस तराशे हुए होते हैं, पेंटेड नहीं। क्या तुम्हें इन दोनों के दरमियान फर्क नहीं पता? सीरियसली? ओके, चलते रहो इस तरफ। लगता तो सेफ है। मैं देखता हूँ। बेवकूफ, ध्यान से। मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा। इसे डीएक्टिवेट कर दिया है। इस तरफ आओ। आ भी जाओ। सब ऐसी ही होती हैं। सब ऐसी नहीं होती, बस यही है। ये क्या है? ये उस शीशे की कहानी है। अच्छा, ये एक वार्निंग है जिसमें उस शीशे में देखने से मना किया गया है। गाइस, इस तरफ। ये काम आएगा। बहुत खूब। हाँ, सही कहा तुमने। हाँ, बहुत खूब। ये रोशनी कैसी है? ओके, उसे यही होना चाहिए। यहां पर ना तो कोई कोड और ना ही कोई राइटिंग है। ये कदीम जुबान में पानी का निशान है। ये तो टूट चुका है या तोड़ा गया है। हाँ, बहता हुआ पानी। मगर इस पानी को हम रोक नहीं सकते। नहीं, हम इसे रोक सकते हैं। हमें इसके सोर्स का पता लगाना होगा। बहुत अच्छे। देखने में तो तुम इतने स्मार्ट नहीं लगते। ध्यान से, कोई चाल भी हो सकती है। ओके ओके, भागने के लिए तैयार रहो। 1 2। बस हो गया। फिल्मों की तरह ऊपर से कुछ गिरेगा नहीं। हाँ, अब चलो यहां से। मैं तो यहां से जान बचाकर निकलना चाहता था, वो भी मुश्किल से। पर यहां कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। हमने देख लिया है, वो बाहर आ चुके हैं। हाँ, वो टुकड़ा उनके पास है। बहुत खूब। याद रहे, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। उन हंटर्स के साथ हमें कुछ खास करना है। मैं पीछा छुड़वा सकती हूँ। प्लान पर अमल करो। तुम्हें लव्स सीखने चाहिए। सच में? अगर तुमने उन्हें नुकसान पहुंचाया। नुकसान? कैसी बातें करती हो, वो बहुत जहीन है।
बगैर किसी ट्रेनिंग के उन्होंने दो टुकड़े ढूंढ लिए हैं। मैं यकीनन उन्हें पैसे देकर आखिरी टुकड़ा और वो शीशा दरियाफ्त करवाता, मगर इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो मुफ्त में काम करेंगे। मैं जानती हूँ अपने बच्चों को, वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। वाकई तकरीबन एक घंटे और कुछ मिनट बाद वो फोन पर मदद की भीख मांग रहे होंगे। मजा आ रहा है? हाँ बहुत ज्यादा। मैं समझा था प्लान उन्हें डराने का है। हाँ बिल्कुल, हादसा भी तो हो सकता है। चलो हे, वो देखो। तो क्या तुम अब भी एडवेंचर चाहते हो? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। चलो भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी करो, निकलो यहाँ से जल्दी। वो पीछे रह गए। नीचे आ जाओ। देखते हैं वो पीछे आते हैं। वो चले गए। वो हमारे पीछे ही हैं। ओके जल्दी करो, चलो निकलो यहां से। कम ऑन डेलन, तेज भागो। क्या ये था तुम्हारा प्लान? क्यों, तुम्हारे पास कोई और प्लान था? इस तरफ मेरे पास एक और प्लान है, लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। क्या फर्क पड़ता है? ये लो। चलते जाओ। तुम ठीक हो? हाँ। तो ये था तुम्हारा बेहतरीन प्लान? हाँ। सच में? पीछा करो। ओके। उठो, जल्दी करो। ये है वो एक्सीडेंट जिसकी तुम बात कर रही थी? हमें चलते रहना होगा। डेलन, क्या है? अच्छा प्लान है। शुक्रिया। तुमने धक्का क्यों दिया मुझे? ट्रिप तुम ठीक हो? उस हमले से जान बचाकर भागने के अलावा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। क्रूगर ने हमें यहाँ देख लिया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, कहीं दूर जाना होगा। ट्रिप, हमें अब मेसन को कॉल करनी चाहिए। सही वक्त। हेलो मेसन, मैं पैक्सटन हूँ। पैक्सटन? हाँ बोलो बेटा, क्या बात है, कैसे हो तुम, बताओ मुझे। हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मुझे बताओ कहाँ पर हो तुम? 3962 107 40। आने का शुक्रिया। hey, तुम लोगों को मेरी जरूरत थी तो मैं आ गया बगैर कुछ सोचे समझे। मिस्टर फुलर, ये है डेलन। हाय। कैसी हो तुम? मेसन हमारी फैमिली का सबसे पुराना दोस्त है। क्या अब भी आप उतने ही अमीर हैं? पहले से कहीं ज्यादा। मेसन, मॉम और डैड लापता हैं। मुझे बताओ क्या बात है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ हमें भी, सच में। क्या मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ हंटर्स के बारे में बताया था? कभी नहीं, और मैं समझता था उनके बारे में सब जानता हूँ। क्या तुम्हें कोई आइडिया है वो कहाँ होंगे?
वो शायद थाईलैंड में हो, हमें उन्हें ढूंढना। हाँ, लेकिन पहले हमें वो बाकी के टुकड़े और शीशा तलाश करना है। तो फिर क्या, उसे छुपाएंगे या तबाह करेंगे? वैसे मैंने एक प्लान सोचा है, सबसे पहले हम वो टुकड़ा ढूंढेंगे और फिर वो शीशा। तो फिर इतना काफी होगा? हमने जो कुछ भी कहानियों में पढ़ा था अब वो सच हो रहा है। वो शीशा, हंटर्स और क्रूगन। बाकी के टुकड़े तुम्हारे पास हैं, मैं उन्हें देख सकता हूँ? मैं नहीं जानती, हम पहले ही बहुत कुछ बता चुके हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि तुम लोगों की मदद कर सकूं। डेलन, कोई बात नहीं, तुम इन्हें वो दिखा सकती हो। ठीक है। इनको देखने की क्या जरूरत है? तो ये है सब। क्या तुम्हें ताकत महसूस हो रही है? वो आखिरी टुकड़ा जो क्रूगन के पास नहीं है, तुम्हारे ख्याल से कहां पर होगा? हम नहीं जानते, ना ही शीशे के बारे में। पहले टुकड़े की वजह से दूसरे टुकड़े का पता चला, तो मैं सोच रहा था कि इसकी वजह से बाकी टुकड़ों का भी पता चल सकता है। ये कुछ लिखा है। कहाँ? ये सामने, ये कोई डिजाइन नहीं है, ये ग्रीक लेटर्स हैं जो उल्टे लिखे हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा, चलो मेरे साथ ऑफिस चलो, मेरे ख्याल से मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जॉर्डन, मैंने कहा था वो बच्चे बहुत ज़हीन हैं, तुम्हें उन पर फख्र होना चाहिए। बल्कि तुम खुद सुन लेना, वो इस दरवाजे के दूसरी तरफ हैं, और इतना करीब होने के बावजूद तुम उनकी मदद नहीं कर सकती, एक माँ के लिए कितने दुख की बात है। ट्रिप, तुम इसे पढ़ सकते हो? हाँ, मैं जानता हूँ यहाँ पर सबसे स्मार्ट मैं ही हूँ, मगर मैं नहीं पढ़ सकता। समझ गया, रूडोपेस, ये तालीम के फवायद लिखे हुए हैं। रूडोपेस क्या है? रूडोपेस कोई चीज नहीं है, बल्कि ये औरत का नाम है। रूडोपेस पुराने जमाने में एक गुलाम की बेटी थी जिसने फिरौन आमोस से शादी की थी, क्योंकि उसके पाँव में शीशे का बना हुआ जूता पूरा आ गया था, इसलिए। सिंड्रेला जैसी कहानी? हाँ बिल्कुल, यहाँ जो लिखा है उसके हिसाब से रूडोपेस सिंड्रेला का पुराना वर्जन है। आजकल बस यही कुछ पढ़ाते हैं। तो वो टुकड़ा इजिप्ट में है? नहीं, बोस्टन में। बोस्टन? कुछ अरसा पहले इसको फेरी टेल्स कलेक्शन के साथ म्यूजियम में जमा करवा दिया गया था। वो शीशे की जूती जो सिंड्रेला ने पहनी थी, वो टुकड़ा उस जूते के अंदर है। हम हवाई जहाज से जाएंगे लोगन इंटरनेशनल। मिस्टर फुलर। मेसन। मेसन, माजरत के साथ, आप कोई हंटर नहीं, मगर ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं इन बच्चों का बहुत देर से फैमिली फ्रेंड हूँ, इनके पेरेंट्स लापता होने के बाद इनकी जिम्मेदारी मुझ पर है, और वैसे भी तुम्हारे साथ कोई ऐसा शख्स जाए जो कि बहुत ज्यादा अमीर हो, ये दुनिया की सबसे बुरी बात तो नहीं है, ठीक कहा ना? कि ये सच है या फिर कोई ख्वाब? ब्लैक ड्रेस कोड हमारे पास तो नहीं है। हम भला ऐसे कपड़ों में अंदर कैसे जा सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है।
पैक्स। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। कैसी लग रही हूँ? मेरे ख्याल से आपको इनका इस्तेमाल भी करना चाहिए। ओके, कैसे? वाह, क्या बात है। मेरा मतलब, हमें तैयार होकर जाना है। वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। इन कपड़ों का क्या करेंगे? मैं अपने ड्राइवर से कहकर वो जहाज में रखवा देता हूँ। और वो टुकड़े, उन्हें हम अपने पास रखेंगे। ओह, फिक्र मत करो, मेरा जहाज तुम्हारे बैग से कहीं ज्यादा बेहतर जगह है। सब ठीक है, फिक्र मत करो। क्या बात है, तुम लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। इन्विटेशंस प्लीज। इनके साथ हैं मेसन फुलर, फुलर इंडस्ट्रीज से। माफ कीजिएगा, आपका नाम इस लिस्ट में नहीं Curator. है। क्या मतलब है? उसे जाकर मेरा बताओ प्लीज। माफी चाहता हूँ मिस्टर फुलर, प्लीज बुरा मत मनाइएगा। कोई बात नहीं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और आपके यहाँ आने से हमारी इज्जत बढ़ गई। जिंदगी में अच्छी चीजें बगैर प्लान के ही होती हैं। बिल्कुल, प्लीज एंजॉय कीजिए। ये होती है ना पार्टी। लेडीज वहां पर, शीशे का जूता। ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं। पैक्सटन, तुम लोगों पर नजर रखना। डेलन, तुम यहीं रुको। मैं अलार्म ऑफ कर रहा हूं, ये सब मैंने वीडियो गेम से सीखा है। ट्रिप, कितनी देर है? अभी नहीं। इतनी ताकत, मैं इसे समझ सकता हूं। ये चीजें हिफाजत के लिए हैं, ना कि इस्तेमाल के लिए। कौन हो तुम? क्या कहा तुमने? ट्रिप, रुको। मिस्टर निक हंटर है।
क्या? जो सब इसने कहा वो सिर्फ हंटर्स ही जानते हैं। चीजों की हिफाजत ना के इस्तेमाल, ये हंटर्स की ही एक किस्म है। मेसन, क्या इसकी बात सच है? बकवास कर रही है ये, मैं हंटर नहीं हूँ, अब मैं हूँ। तो तुम ही थे क्रोगन? मैं क्रोगन हूँ। इस अलार्म को बंद करो अभी। बैक, इसकी बात मान लो, ये झूठ नहीं बोल रहा। चालाक और होशियार, ये तो बहुत अकलमंद है पैक्सटन। ठीक है, हो गया, अलार्म बंद हो चुका है। देखा, ये अच्छा बच्चा है, हम जो चाहें हासिल कर सकते हैं। बॉयस, तुम और टैलन मेरा साथ दो। मैं तुम्हारे वालिदैन की इज्जत करता हूँ और तुम लोगों की भी। मेरे मॉम और डैड कहाँ पर हैं? मुझे अफसोस है कि तुम्हारे बाप का कुछ पता नहीं चला, ना ही चलेगा। क्या? चलो मिलकर उस शीशे को ढूंढते हैं और उसके बाद मैं तुम लोगों को तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने का मौका दूंगा। डैलन, तुम्हें फैमिली मिल जाएगी, ट्रिप को इज्जत मिल जाएगी, और पैक्सटन, तुम अपने शिप पर दुनिया भर में जहां पर चाहो जा सकोगे। तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, तुम सब बहुत अमीर हो जाओगे। हम तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे, है ना पैक्स? ठीक कहा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कमीने कहीं गए। मुझे दो पैक्स। मेरे सबर का इम्तिहान मत लो पैक्स। यहाँ, ये लो। यहाँ, मुझे लगता है तुम तीनों को जिंदा रखने की जरूरत नहीं है। ये चाहिए, ये लो पकड़ो। कैसा रहा? ट्रिप, भागो। वो भाग रहे हैं, जाओ। सिंड्रेला का जूता कब गुम हुआ था? चलो जल्दी करो। आ जाओ जल्दी से। आप अच्छे वक्त पर आई। मॉम, हम तो समझ रहे थे कि तुम स्कूल में क्यों नहीं हो। सीरियसली, क्या ये वक्त इन बातों का है? मैं खुश हूं कि तुम ठीक हो बेबी। पैक्स, डेलन, तुम फिर से इकट्ठे हो गए? क्या? नहीं, फिर से नहीं। नहीं 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 नहीं। मॉम, डैड कहां पर हैं? मेसन ने कहा कि मैं नहीं जानती पैक्स, मगर तुम्हारे डैड ऐसे हालात से लड़ना जानते हैं। मेसन के पास वो सब टुकड़े हैं, सब के सब। ना तो उसके पास वो शीशा है और ना ही वो जानता है कहां है। सिर्फ मैं जानती हूं, सिर्फ मैं। शुक्र है खुदा का कि आपको कोई चोट नहीं लगी। हाँ, पर वो जूता अहम है, हमें उन चोरों को पकड़ना होगा। क्यों नहीं? अगर मैंने उन्हें ना ढूंढा तो ये ढूंढेंगे। हमें उनकी जरूरत नहीं। हमारे पास सिर्फ टुकड़े हैं, मगर हमें शीशे का नहीं पता। तुम नहीं जानते, मैं जानती हूं। मैं तो भूल ही गया था कि तुम बहुत समझदार हो। ये तुम्हें किसने दिया? मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। क्या क्रूगन इसी के पीछे था? ये क्या है, पत्थर? ये वुल्फ स्टॉर्म की है। टॉम, लो एक और कहानी। हम सब लोग जर्मनी जा रहे हैं। म्यूजियम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद पुलिस हर जहाज को चेक करेगी, मगर इस जहाज को नहीं। हम यूएसए से बाहर आ चुके हैं, तुम जहां कहोगे प्लेन तुम्हें ले जाएगा। शुक्रिया स्कून। वेट, स्कून? क्या तुम हंटर्स की स्कूल फैमिली से हो? यहाँ पर मैं सिर्फ एक आर्मी कैप्टन हूँ जो कार्गो में काम करता है। तुम्हारी फैमिली वैसे बैकअप के लिए जानी जाती है, ये हर किसी की मदद करते हैं। वेल, एक विंगमैन की यही ड्यूटी होती है,
और वैसे भी कार्टर और जॉर्डन ने मेरी बहुत दफा जान बचाई है। कोई बात नहीं, मेरे पीछे आओ। हे, जब से मैं आई हूँ तुम बोल ही नहीं रहे, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं, बस वो आपको लगता है डैड ठीक है? तुम्हारे डैड सब लोगों से बहादुर हैं और मुझे यकीन है कि वो ठीक ही होंगे। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम आपके लिए ही आ रहे थे, मगर पहले हम उन टुकड़ों के पीछे गए। पैक्स, तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया, टुकड़ों को उन लोगों से बचाकर सेफ हाथों में देना हमारा फर्ज है। आपने हमें अपने बारे में क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें याद है एक बार तुम्हारे डैड किसी बात पे लड़ रहे थे? नहीं तो? राइट, क्योंकि हम कभी नहीं लड़े, सिवाय एक बार कि तुम्हें और हंटर को ये बताने के लिए कि तुम दोनों हंटर्स हो, लेकिन नहीं बताया। वो तो तुम्हें बताना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें बताने से मना किया। हम दोनों का फैसला तो हो चुका था, मगर हंटर बनने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मगर मैं तुम्हारे और ट्रिप के लिए कुछ और चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम्हें वो मिले जो नहीं है, खूबसूरत बचपन, सुकून। हाँ, पर आप लोगों ने अपनी जिंदगी ऐसी गुजारी जिसमें हम शामिल ही नहीं थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने सब कुछ डेलन को बताया, लेकिन मुझे नहीं। मैक्स, समझने की कोशिश करो। डेलन के पेरेंट्स हंटर्स थे, जब वो दुनिया से गए तो वो बहुत छोटी थी, उसकी कोई फैमिली नहीं, इसलिए हंटर्स ने बताया। हम तो बस उसकी उदासी दूर करना चाहते थे और कुछ नहीं। हमारे पेरेंट्स जिंदा हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें उनकी जरूरत नहीं। हाँ मैं जानती हूँ। पैक्स, शुक्रिया हमारे पीछे ना आने के लिए। कोई बात नहीं, चलो। रुको, ये बहुत दिलचस्प सीन है। ठीक कहा तुमने, ये भेड़िए का दांत है। मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि वो शीशे का टुकड़ा मेरे ही बैकयार्ड में छुपा था। मुझसे वादा करो जब वक्त आएगा तो तुम मुझे जॉर्डन फिल्म से अपना हिसाब पूरा करने दोगे। क्यों नहीं, मैं ये फिर देखना चाहूंगा। ओह, कब्रिस्तान। तुम्हें भूतों से डर लगता है? नहीं, तुम डरती हो, वो हैलोवीन याद है? ओह, तुम तो चुप ही रहो वरना सबको बताऊंगी कि 17 साल की उम्र में भी लाइट ऑन करके सोते हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने सुनना है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छे मॉम, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी डेलिन। वुल्फ स्टोन के बाहर किसी वोल्फ का सर होना चाहिए, ये जरूरी तो नहीं है ना? ठीक कहा ना? ये तो ग्रेनाइट का बना है। इसका एक दांत भी कम है। भेड़िए का दांत। ये 3 बटनों का सीक्वेंस है, इससे तो हजारों कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। एक और गेम, अगर हम इन बटन्स का गलत कॉम्बिनेशन बना देंगे तो ये टूट जाएंगे और शायद ये तबाह हो जाए या फिर हमारे ऊपर चट्टान गिर जाए, हम जानते हैं। ये भेड़िया है, कहानी लिटिल रेड राइडिंग हुड से। क्या मतलब? तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी हैं, और तुम्हारे कान भी, और तुम्हारे दांत, ये तो बहुत ही बड़े हैं। मुझे ये कहानी बचपन से ही पसंद थी।
हमने कर दिया। हाँ वाकई अच्छा ट्रिक था जो तुमने उस अलार्म को एक्टिवेट करने के लिए किया था। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। वेल, दोनों ही अजीब हैं। ये लड़का कमाल का है। मेसन, इस शीशे को मुकम्मल मत करना। मगर क्यों, मसला हो जाएगा? मैं तो डर गया था। जॉर्डन, ये दुनिया दो तरह के लोगों में बटी हुई है। एक वो जो पुराने रस्म और रिवाज के गुलाम हैं और उनकी जिंदगी में कोई मजा नहीं। दूसरा मैं। हंटर्स बनने से पहले मेरी फैमिली का ताल्लुक गॉर्गोस ऑफ ग्रीस से था और फिर क्रूगर, क्योंकि कदीमी गॉर्गोस ने जमीन पर लाखों साल हुकूमत की और अब मेरा यह हक बनता है। लोगों को लीडर्स चाहिए, उन्हें उन लोगों की जरूरत नहीं जो ऐसी चीजों की हिफाजत करें जिन्हें रातों रात कोई भी चुरा कर ले जा सकता है। दुनिया को मेरी जरूरत है, हंटर्स की नहीं। शीशे तक मुकाबला करके जाओगे? अगर तुम ये बात ना कहती तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता। साथियों रुको, तुमने जो म्यूजियम में कहा था वो सच था? अगर मैं तुम्हारे तक वो शीशा पहुंचा दूं तो मैं जो चाहूंगा तुम वो दोगे? पैक्स। हाँ पैक्स, तुम अपने उस सफर पर आराम से जा सकोगे अपनी फैमिली के बगैर। पैक्स, तुम नहीं जानते क्या कर रहे हो। जानता हूं मॉम, वो भी शायद पहली दफा। ये तो जुड़ा है। ये टॉम सील हो रहा है, वक्त कम है। ये लो। बहुत खूब। ओके, हमें अब यहां से चलना होगा। हाँ, मगर तुम लोग यहीं रुकोगे। तुमने ये नहीं कहा था। काफी नस्ल पहले फ्लाइन खानदान इसी टॉम में मरा था। उन्हीं से जा मिलो और इस लड़की को ले आओ, इसने बहुत मदद की है। क्या? नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो थोड़ा जल्दी कर लो, क्योंकि दुनिया को मेरी बेहद जरूरत है। डेलन, नहीं, जाने दो मुझे। ओके, अब हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये सांप है क्या? नहीं, ये वाइपर है, यूरोप का सबसे जहरीला सांप। गुड, बताने के लिए शुक्रिया। और इसका एक साथी भी है, देखो जरा। हंटर्स के पास हमेशा रास्ता होता है, बस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। तुमने फंसाया है हमें। मैं जानता हूँ मैंने क्या किया, मेरे पास एक प्लान है। हाँ, जो कि बहुत ही कमाल का है। हमें डेलन को बचाना है, हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए। तुम शायद भूल चुके हो कि हम यहाँ फंस गए। शायद नहीं, हंटर केव्स को अक्सर दिमाग की तारीकी से डिजाइन किया जाता है। लाइट्स ऑफ कर दो। मगर हम लाइट के बगैर कैसे देख सकेंगे? लाइट ही वजह है। और उन चीजों का क्या जिन्हें अंधेरा पसंद है? भरोसा करो मुझ पर ट्रिप। ध्यान से ट्रिप। क्या हुआ? मेरे पाँव पर मत चढ़ो। बैक्स, मैं तुम्हारे करीब नहीं हूँ। ओके। हे, हिलना मत। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मॉम। एक मिनट, जहां पर वुल्फ होगा यही है। हाँ बिल्कुल यही है। पैक्स। हाँ। भागो, फौरन भागो। ओके ओके ओके, मुझे सांपों से नफरत है। ओके, ये रहा बाहर जाने का रास्ता। यहां से? हाँ ठीक है फिर। ओके, इस तरफ चलो। रुको, क्या हम पैक्सटन पर एतबार कर सकते हैं? तुमने धोखा दिया। नहीं। कोई प्लान है? हाँ है, और अभी भी वैसा हो सकता है। ओके, मेरे लिए तो काफी है।
कम ऑन ट्रिप, हम फैमिली हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। ये रहा मैसन का महल, अब चलो। ये कौन सी जगह है? अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ सात बौने रहते थे तो मेरा यकीन करोगे? मैंने कुछ दिन पहले हैरान होना छोड़ दिया था। अगर ये सात बौनों की जगह है तो यहाँ जरूर कोई खजाना भी होगा। ये है रास्ता मैसन तक पहुंचने का। वो हम कुछ ले सकते हैं? चीजों की हिफाजत, इस्तेमाल नहीं। ये कोई कानून है या बस वैसे ही? कम ऑन, चलो चलो। वापस रख दो उसे। क्या कर रहे हो तुम? बस ये चेक कर रहा हूँ कि मेरे स्कूल की फीस जमा हो गई है या नहीं। स्पेक्ट्रोग्राफ, कुछ नहीं। पीछे तो डेड स्पॉट था। इस एरिया में कोई रीडिंग्स नहीं आ रही। मैसन की वजह से, और उसने यहीं पर डेलन और उस शीशे को रखा हुआ है। हम अंदर कैसे जाएंगे? वो ही देख रहा हूँ, इंफ्रारेड की मदद से। मिल गया। क्या तुम खामोशी से कोई एंट्री का रास्ता ढूंढ सकते हो? ओ कम ऑन, मुझे तो उनसे मिलना था। ओके, यहां पर कोई ना कोई रास्ता तो होगा। ओके, जरा ध्यान से। कितनी प्यारी है ये, इसे हासिल करना इतना आसान नहीं था, है ना माए? कीमती चीजें मुश्किल से मिलती हैं। मेसन, ऐसा मत करो। तुम ये जानते हो कि तुम नहीं जीत पाओगे। मुझे यकीन है कि तुम अपने दोस्तों में बहुत समझदार जानी जाती हो, लेकिन जीत के आसार ऐसे ही होते हैं। ओके। गेट पर कोई है। मॉम के साथ रहना। अरे तुमने मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। इसका मतलब है तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। मेसन, मैं जानती हूं कि तुम्हें लगता है कि हंटर्स ने और इस दुनिया ने तुम्हें धोखा दिया है, मगर ऐसा मत करो। तुम वाकई कमाल की चीज हो। जब मैं सबसे ताकतवर हो जाऊंगा तो मुझे याद करवाना कि मुझे तुम्हें कुछ नहीं कहना था। यह मुकम्मल हो गया। मैं जानता हूं कि तुम एक बुजदिल हो। वेल 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 मेरे बच्चों, मम्मी कहां है? वो नहीं आ सकी। कितनी बुरी बात है। तुम परेशान मत हो, यतीमी ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। इंतजार किस चीज का है, जल्दी करो। बैग्स, हम नहीं चाहते कि वो इस शीशे में देखे। क्या हो गया? मेरा यकीन करो, ये कुछ नहीं कर सकता। तुमने गोरगोस की ताकत के बारे में बहुत कुछ बताया,
कि क्रूगन कैसे उनकी नस्ल में से हैं। तो ये सब कुछ क्या था? सिर्फ बातें। अगर तुम वाकई हंटर होते तो इस तरह कभी ना कहते। मैं हूं एक हंटर, वो भी फ्लिन क्लैन का, और तुम्हारे अबाव उस्ताद तुम पर हंस रहे हैं। तुम जानते थे ऐसा हो सकता है? उस वक्त से ही जेमेसन ने गॉर्गोस के बारे में बातें करना शुरू की थी। गॉर्गोस, द गॉर्गन्स, मेडुसा, मेडुसा स्कीज, वो तो लोगों को पत्थर का बना देते थे। तुमने उसे वो शीशा दिया ताकि वो एक गॉर्गन बनने की ख्वाहिश करे, ताकि वो शीशे में देखे और फिर पत्थर का हो जाए। I'm sorry, मैं तो कुछ जानती भी नहीं थी इस बारे में। कोई बात नहीं। ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मॉम, इस शीशे की वजह से तुम्हारे डैड वापस आ सकते हैं। मॉम, ये शीशे का अजाब है, ये किसी भी वक्त आपकी ख्वाहिशात छीन सकता है। मॉम, हमें भी डैड का उतना ही इंतजार है जितना कि आपको, यकीन करें। शीशा मददगार है, मेरा हुक्म मानो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपने आप को तबाह कर लो अभी। हमें यहां से जाना होगा, जल्दी। कभी कभी मुझे भी मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। चलो आप घर चलो। तुम्हें यकीन है कि ये सही रास्ता है? हाँ बिल्कुल सही है। मॉम, सैटेलाइट इसी जगह से हर दोपहर को गुजरती है, तो अगर तुम्हारे डैड हमें ढूंढ रहे हुए तो हमें इसी जगह पर होना चाहिए। क्या टाइम हुआ है? 11:59:50, हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड्स हैं। ओह गॉड। आने का शुक्रिया। बुलाने का शुक्रिया। मॉम, इसका क्या मतलब है? पासवर्ड है, कोई पुराना कोड। किस किस्म का कोड? मत पूछो, पिछली बार जब ये कोड इस्तेमाल किया था तो। ये डेड है, मुझे यकीन है। पोजीशन क्या है? पैरू, द गोल्डन एग ऑफ मॉन्टूबेट। ये तुम्हारे डेड हैं। आ जाओ। ओके, मैं पीरू जाने की टिकट्स का इंतजाम करता हूं। और मैं साथ ले जाने वाली चीजों की लिस्ट बनाती हूँ। पैक, इस कश्ती को साहिल पर ले जाओ, हम 90 मिनट में फ्लाई करेंगे। हाँ ठीक है।